कहीं भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे MCQs, NCERT सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल लिमिटेड टाइम में एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द मार्क्स कवर किए जाते हैं इस चैप्टर से। अब यहाँ पे बताया कि तुम कोई एक्सपेरिमेंट किया, तुम्हारा आंसर इतना आना चाहिए, तुम्हारा आंसर इतना आया नहीं, उसके आसपास भी नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना है। जब डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग कौन सा नॉलेज देते हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर डालेंगे। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल, तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड को इलैबोरेट करना है, उसके बारे में बताना कि कैसे क्या इसकी स्ट्रेंथ है एंड क्या इसकी weaknesses है। Characteristics बताओ एक standardized test में, ये question important। Explain voluntary participation as one of the ethical issues। मैं explain करना कि voluntary participation क्या होता है। 2 points बताओ speed test and power test के differences को show करो। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज मेंटर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी को करने वाले हैं पूरी तरीके से कंप्लीट बाय गिविंग एन अंतिम प्रहार टू इट। अब अंतिम प्रहार का मतलब क्या है? देखो मैंने YouTube बहुत देखे हैं फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल, बट मुझे कहीं भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे MCQs, NCERT सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल लिमिटेड टाइम में एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तो तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है फॉर कि कहीं अलग चैनल से MCQs देख लिया, कहीं अलग चैनल से NCERT सॉल्यूशंस देख लिया। एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस चैनल। सो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ। यहाँ पे तुम्हें मिलने वाला है MCQs, NCERT सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ में तुम्हें मिल जाएगा नोट्स भी, जिससे तुम लोग आराम से एवरीथिंग यू कैन रिवाइज इन वन गो। चैप्टर का वन शॉट तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। ये अंतिम प्रहार लेक्चर है जहाँ पे हम लोग चैप्टर से रिलेटेड और भी डिफरेंट डायमेंशंस पे डिस्कशंस करेंगे, जिससे जो भी डाउट तुम्हारे चैप्टर में रह गए हों वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए मूव करेंगे एंड डिस्कस करेंगे विद द वेरी इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ द होल चैप्टर। इस चैप्टर में से जितने भी MCQs बन सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड अपने अंतिम प्रहार की स्टाइल में। अब ये कैसा स्टाइल है मैम मुझे तो बता दो, मुझे तो ये पता ही नहीं है। देखो यहाँ पे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली MCQs के। अब मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, समझाऊंगी एंड आंसर तुम्हें अपने माइंड में गेस करना है। साथ ही में तुम्हें आंसर अपने माइंड में गेस करना है, उसके बाद मैं आंसर तुम्हें बताऊंगी एंड तुम्हें चेक करना है कि क्या तुम्हारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब इसमें क्या ना है मैम, देखो तुम्हें यहाँ पे अपने आप को फेयरली पॉइंट्स देने हैं। पॉइंट्स देने मतलब आज के MCQs जो सीरीज होने वाला है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 20 MCQs आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब तुम्हारा डाउट होगा कि मैम इतने सारे MCQs, देखो इतने सारे इसलिए बिकॉज ये चैप्टर जो है हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशंस में ही डिस्कस कर रखा है कि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द मार्क्स कवर किए जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा है। सो इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो तुम्हें देखना है, क्यों? बिकॉज एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट। ओके, सो हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं सवाल को पढ़ूंगी, तुम्हें समझाऊंगी, आंसर तुम्हें माइंड में गेस करना है एंड देन तुम्हें चेक करना है इफ इट इज राइट और रॉन्ग। इफ इट इज राइट तुम्हें मार्क्स देते जाना है। साथ में 1 MCQ = 1 marks। ओके, ये भी मैं बता दे रही हूँ, कुछ लोगों को डाउट रह जाता है बहुत ज्यादा। सो विच इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। अब तुम्हें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक गोल है साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का। सो अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, प्रेडिक्शन है या अचीवमेंट है, तुम्हें बताना है इसका राइट आंसर। थिंक इट इन योर माइंड एंड द राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर सी। प्रेडिक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, दीपिका के फॉर्म में हम लोगों ने याद भी किया था फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों को याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद है जाके अभी वापस से वन शॉट देखकर आओ अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखना, पॉपकॉर्न लेकर बैठना। ठीक है, सो प्रेडिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था दीपिका, डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, देन कंट्रोल एंड देन एप्लीकेशन। ये सारे हमारे नाम थे, है ना? सो हमारे उसमें से कौन सा हमारा जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है, सो दिस इज हमारा प्रेडिक्शन। और कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिविटी इज व्हेन two persons study a particular event independently, they should arrive at the same conclusion. So objectivity क्या है? Best example है desk को नाप लो। ठीक है, तुम लोग desk को आज नाप रहे हो, let's suppose it is 4 centimeter today. After some time, एक हफ्ते बाद वही same bench को measure करो तो वो 5 centimeter ही रहेगा, वो 20 centimeter नहीं होने वाला at all, right? So क्या यही objectivity है या नहीं है, तुम्हें बताना है। So the right answer of this question क्या है? Option number 1 है true, option number B है false and the right answer of this question is ट्रू। हाँ जी बिल्कुल, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वही होता है कि दो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, एक ही चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनका आंसर अप्रॉक्सीमेटली सही आ रहा है, मतलब आसपास आ रहा है, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाओ, यू हैव जस्ट कंडक्टेड अ रिसर्च। अभी अभी तुम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी किया। मेरे को एक और एग्जाम्पल याद आया, सुनना चाहोगे? देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल तुम लोग ले सकते हो इस बात का, तुम्हारी लर्निंग पावर है। लेट्स सपोज तुम्हारा आईक्यू मैंने आज चेक किया बैठा के तुम्हें, तुम्हारा आईक्यू लेट्स सपोज आया है 10, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारा आईक्यू आया है 10, अब मैं आफ्टर 1 मंथ वापस से तुम्हारा आईक्यू चेक करूंगी तो तुम्हारा 10 के आसपास ही होगा, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता, 1, 2 भी नहीं हो सकता, राइट? जितना है उसके आसपास होगा। सो दैट इज योर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। इससे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। अभी अभी तुम लोगों ने एक रिसर्च स्टडी की है, इफ द रिस्पॉन्सेज, अब जो रिस्पॉन्स तुम्हारा आया है उस स्टडी का, ओके, responses of the participants significantly differ from what would be expected if there was no relationship among the variables in your study, then it would be appropriate for you to। अब यहाँ पे बताया कि तुम कोई एक्सपेरिमेंट किए, तुम्हारा आंसर इतना आना चाहिए बट तुम्हारा आंसर इतना आया नहीं, उसके आसपास भी नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना है? अब यूज अ डिफरेंट मेथड। अब तुम्हें क्या करना है कि कोई दूसरा मेथड को करके वापस से ही इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, या फिर ऑब्टेन अ लार्जर सैंपल। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा सैम्पल्स लेने होंगे, रिजल्ट्स, सैम्पल रिजल्ट्स। देन थर्ड है परफॉर्म मैनिपुलेटेड चेक्स। अब कुछ मैनिपुलेटेड चेक्स करो, कुछ चेकिंग करोगे, वापस से सही चेकिंग करोगे तो ठीक हो जाएगा। या फिर रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस तुमने बनाए थे उसे रिजेक्ट करो। क्या तुम्हें एप्लीकेबल आंसर लगता है अपने माइंड में सोचो, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन दिस, ऑप्शन नंबर ए। अगर तुमने कोई रिसर्च किया, तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, तो एक बार मेथड को चेंज करके तुम लोग देखोगे, राइट? सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज कि अपने मेथड को तुम लोग चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशनल मेथड किया तुम लोगों ने, अब तुम्हें लग रहा है नहीं सर्वे मेथड यूज होगा, नहीं केस स्टडी मेथड होगा, तो अब यहाँ पे तुम्हें मेथड्स को चेंज करना है, तब तुम्हारा आंसर कहीं जाके राइट आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम या टू अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड व्हाट। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर ही, टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश, राइट? सो यू हैव टू, यू डेफिनेटली मस्ट बी, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन नंबर ए। क्या ये कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है? क्या ये कलेक्शन कहलाता है? क्या ये पैराडिम्स कहलाता है? क्या ये हाइपोथेसिस कहलाता है? And again the right answer you have to guess in your mind, and the right answer is hypothesis। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर हाइपोथेसिस है। कोई भी टेंटेटिव सोल्यूशन या कोई भी जो हमारा टेम्पररी सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम के टुवर्ड्स, दैट इज नोन एज योर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, अल्टीमेट गोल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज टू ब्रिंग आउट डैश विद इन द लाइव्स ऑफ पीपल। सो हमारा जो अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट हमारा मोटो क्या होता है? टू डू एनी साइंटिफिक रिसर्च। हम कोई भी साइंटिफिक रिसर्च किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, लर्निंग, मेमोरी, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो क्या होता है? सो साइकोलॉजिकल चेंजेस, कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस हम ला दें समाज में, कुछ सोशोलॉजिकल चेंजेस हम समाज में ला दें, कुछ पॉजिटिव चेंजेस हम लोग ला दें समाज में, या कुछ नेगेटिव चेंजेस ला दें हम अपने समाज में, तो क्या होगा तुम्हारा राइट आंसर? तुम्हें अपने माइंड में गेस करना है, एंड द राइट आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे मैंने ना एक्सप्लेनेशंस भी लगा रखा है, राइट आंसर तो है यहाँ पे लिखा हुआ, साथ में कुछ क्वेश्चंस जिनकी वो जरूरत है एक्सप्लेनेशंस की, स्पेशली फॉर देम मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा रखा है। तो जब तुम्हें पीपीटी मिलेगा तब तुम्हें उसे अच्छे से रीड आउट करना है, कहीं भी डाउट हो तो एक बार ये रीड कर लेना, ठीक है? तो आई एम एश्योरिंग यू 100% यहाँ पे तुम्हें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है? सो मूव ऑन करो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, हम साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्यों पढ़ते हैं, उसका सॉल्यूशंस क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हम जीवन में, लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है ना, इसलिए तो हम लोग कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, पॉजिटिव चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पे, मैटर्स वेयर वन इंटरव्यूअर इंटरव्यूज अनदर पर्सन इज नेम एज। अब कौन सा ऐसा मैटर है जहाँ पे एक इंटरव्यूअर दूसरे एक इंटरव्यू की इंटरव्यू हो रहा है, मतलब एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यूई है, एंड इंटरव्यू चल रहा है, तो अब बताओ ये क्या कहलाएगा? कौन सा मैटर कहलाएगा? इंडिविजुअल टू ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप टू इंडिविजुअल कहलाएगा, इंडिविजुअल टू अदर कहलाएगा या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कहलाएगा। एंड इसका आंसर मुझे पता है बहुत आसान है, तुम लोग आराम से दे दोगे। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग Which independent variable is just chosen? अब ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज किया जाता है? Instant of varied or manipulated by experimenter are called. अब ऐसे कौन सा experiments है जहाँ पे हम लोग independent variable को चूज करते हैं despite of dependent variables? So is it field experiment, quasi experiment, positive experiments या negative experiments? And the right answer of this question में अपने mind में guess करना है। And answer क्या है हमारा? देखो ऑप्शन नंबर बी है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग देखते हैं मैनिपुलेशन होता है ऑफ व्हाट नोन एज योर स्टिमुली और व्हाट नोन एज योर एक्सपेरिमेंटर। ओके, सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक सब्सिक्वेंट इनमें से कौन सा एक गोल है, वन ऑफ द गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इनमें से बताना है तुम्हें। क्या ये डिस्क्रिप्शन है, प्रेडिक्शन है, एक्सप्लेनेशन है, ऑल ऑफ दीज है? देखो तो इसका आंसर तो एकदम मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। एंड स्मार्ट बच्चों को अच्छे से पता है ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन सभी को हम बोलेंगे गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज योर डी ऑप्शन नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इजंट करेक्ट? अब इनमें से, इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, मतलब गलत है? इनमें से सारे सही होंगे, बस एक गलत होगा, ये तुम्हें बताना है। सो नंबर 1, अ डायरेक्ट कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट। अब यहाँ पे कोरिलेशन की बात हो रही है, इतना पता चल गया है, ठीक है। सो अ डायरेक्ट कोरिलेशन जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं indicates that because the variable of one, एक variable जो है increase हो रहा होता है, the worth of the opposite variable decreases. So एक variable increase हो रहा होता है and उसी की वजह से दूसरा variable decrease हो रहा होता है, उसी के worth पे हो रहा होता है, उसी के ऑपोजिट पे हो रहा होता है। दूसरा है अ कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक इंडिकेट्स दैट बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑफ वन, यानी कि एक वैल्यू जो एक वेरिएबल है वो ऊपर जा रहा है, इसीलिए दूसरा वेरिएबल नीचे आ रहा है। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि कोई जीरो कोरिलेशन होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी कोरिलेशन नहीं हुआ है, कोई भी रिलेशनशिप फॉर्म नहीं हुआ है दो वेरिएबल्स के बीच में। एंड ऑप्शन नंबर डी होता है नॉन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या है कि कौन सा गलत बता रहा है तुम्हें, ये तुम्हें चूज करना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट कोरिलेशन। एक डायरेक्ट कोरिलेशन तुम करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कोई एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है लेकिन उसका ऑपोजिट वेरिएबल नीचे जा रहा है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बिकॉज हम जानते हैं कि एक वेरिएबल जब ऊपर जा रहा होता है तो दूसरा वेरिएबल नीचे आ जाता है, ठीक है, ये जनरली होता है। दैट इज व्हाट नोन एज योर कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स जो हमें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारा मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, अगर तुम बहुत ज़्यादा खेलोगे तो तुम्हारा मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। सो दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेशन का कंसेप्ट लाने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इन अ वेरी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन द नॉलेज इंक्लूड्स। अब डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग कौन सा नॉलेज देखते हैं? डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस किया था, डेटा, नेचर ऑफ डेटा के अंदर। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी मतलब हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, राइट? सो हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसे हम लोग डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो उसके हिसाब से तुम्हें बताना है कि डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में कौन से नॉलेज आता है। क्या ये साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आता है, या बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आता है? एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड टू द ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने राइट आंसर दिया। एंड द राइट आंसर इज डेफिनेटली पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, राइट। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। इंटरप्रेटिव मेथड एम्फेसिस। अब इंटरप्रेटिव मेथड्स, जिसके बारे में अगेन हम लोगों ने चैप्टर 1 में डिस्कस किया हुआ था, इंटरप्रेटिव मेथड में हम लोग किस चीज़ पर ध्यान देते हैं? अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस की मान्यता रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रेडिक्शन, हम यहाँ पे प्रेडिक्शन की मान्यता रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन दोनों पे ध्यान दे रहे होते हैं, या फिर नन ऑफ दोज। सो द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड, एंड आंसर जो है वो हमारा है इंटरप्रेटिव मेथड, जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शन। सो इसका राइट आंसर ये क्यों है ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो इंटरप्रेटिव मेथड क्या होता है? इंटरप्रेटिव मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन, दोनों को ही हम अंडरस्टैंड करते हैं। इट टेक्स द स्टैंड दैट विजिबल ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इससे हमें किसी भी ह्यूमन बिहेवियर के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और अच्छे से पता चलता है, स्किल्स के बारे में और अच्छे से पता चलता है। इट्स मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंटरप्रेटिव मेथड्स में हम लोग चीज़ों को और अच्छे से एस्पेक्ट से, एक अलग डायमेंशन से चीज़ों को और ह्यूमंस को स्पेसिफिकली अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑफ द सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एज साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। सो इनमें से कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर डालेंगे? क्या है वो? इमोशंस है, डिल्यूजन्स है, कॉन्शियसनेस है, या ऑल ऑफ द अबव है? सो द राइट आंसर, ये तो बहुत आसान है राइट मेरे समझदार जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इसका आंसर दे देंगे। एंड द राइट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिस इमोशंस, डिल्यूजन्स, कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। ये तीनों के तीनों ही हमारे साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हमारी साइकोलॉजी से डील करे। मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, परसेप्शन, एवरीथिंग राइट कम्स अंडर दिस। सो दिस इज नोन एज अ psychological information. Next, coming to the next portion, the interview within which the questions within the schedules are written clearly and exceedingly particular sequence is named as. यानी कि कोई इंटरव्यू होने से पहले questions मैंने prepare करके रख दिए हैं जो मुझे सामने वाले इंटरव्यूई से पूछना है। So उससे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उससे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्या हम उसे स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू बोलेंगे? क्या हम उसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू बोलेंगे? क्या हम उसे पर्सनल इंटरव्यू बोलेंगे? या क्या हम उसे एक ग्रुप डिस्कशंस बोलेंगे? सो द राइट आंसर इज द स्टैंडर्ड इंटरव्यू ही हमारा राइट आंसर है राइट, बिकॉज हम ऐसा इंटरव्यू जहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही प्री रिटन हो या प्री प्लान हो, दैट इज वॉट योर नोन एज योर स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। यहाँ पे सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में रेडी है ऑलरेडी राइट, विच इज अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्पफुल वे ऑल्सो टू कंडक्ट वॉट नोन एज इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। विच एथिकल प्रिंसिपल रिक्वायर्स रिसर्च टू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स बिफोर कंडक्टिंग अ स्टडी। देखो आंसर मैंने यहाँ पे लगा ही दिया, पहले चेक करो। क्वेश्चन का मतलब समझो, फिर भी सवाल का मतलब ये है कि दुकान से तुम्हें देखना नहीं है, ठीक है। सो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे हम लोग यानी कि हम एज अ रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हम लोग इंफॉर्मेशंस देते हैं और कंसेंट लेते हैं अपने सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट मतलब वो पर्सन जिसपे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उसका हम कंसेंट लेंगे, उसे हम सब कुछ चीज़ें बताएंगे। सो व्हाट इज द राइट आंसर? इज इट कॉन्फिडेंशियलिटी? हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, डिब्रीफिंग करेंगे, बेनिफिशियंस है, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे दिखाया हुआ है तुम्हें, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज द रीजन वाई हम उससे उसका इन्फॉर्म, हम उससे उसका कंसेंट मांगेंगे कि क्या आप रेडी हैं इस रिसर्च में हमारा साथ देने के लिए या नहीं, ठीक है। हम उससे पूछेंगे प्रॉपरली। सो दिस इज व्हाट नोन एज, हम वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट को, दैट इज रिस्पेक्टिंग फॉर ऑटोनॉमी। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा ऐसा टाइप ऑफ रिसर्च मेथड है जिसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति को देखते हैं और उसके बिहेवियर को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बिना किसी भी चीज़ को इंटरफियर किए हुए, ठीक है। एंड द ऑप्शंस इज सर्वे, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन। क्या है आंसर, राइट आंसर? बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में भी बताना, ठीक है, इसका आंसर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके, मैं आंसर लग रही हूँ। What is the main advantage of using a survey as a research method? कौन सा ऐसा advantage बता रहा है, कौन सा ऐसा option है जो तुम्हें बता रहा है advantage of using survey method? क्यों हमें survey method use करना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा in-depth study करता है इंसानों की, या क्योंकि ये causal relationship पढ़ता है variables की, या इसलिए क्योंकि ये allow करता है control करना extraneous variable की, या फिर ये कलेक्ट करने देता है हमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब एक बार ही हम लोग कितने सारे बहुत सारे लोगों का, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का सर्वे निकाल सकता है। क्या ये रीजन है? तो तुम्हें बताना है ऑप्शन कौन सा तुम्हें सही लग रहा है, कौन सा तुम्हें एकदम अप्रोप्रिएट एंड राइट ही लग रहा है, बिल्कुल। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी वैसे, ठीक है, आंसर राइट है ऑप्शन नंबर डी। Next, moving to question number 17, that is your which ethical guidelines requires research to explain the true purpose of study and any potential risk to participate after their involvement. मैं अपने सब्जेक्ट को बताऊंगी कि भाई तुम इस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम्हें ये खतरा हो सकता है, तुम क्या इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं उससे पूछ रही हूँ, ठीक है, प्रॉपरली. तो इसमें से कौन सा आंसर राइट है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बेनिफिशियंस, डिसेप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड इसका राइट आंसर तुम सभी को पता है बहुत आराम से, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. ठीक है, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आराम से, मतलब जिन्होंने भी आराम से इसका आंसर राइट दे दिया. क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं हम लोग. द रिसर्चर कंडक्ट, अब कोई भी रिसर्चर जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्सरसाइज एंड मूड. तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ जहाँ पे मुझे जानना है कि एक्सरसाइज और मूड ये दोनों कैसे एक दूसरे से क्या इनका रिलेशन है साथ में. तो मैं कौन सा रिसर्च मेथड को इस्तेमाल करूँगी? एक्सपेरिमेंट को, कोरिलेशन को, केस स्टडी को, या सर्वे को? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, तुम लोग एकदम आंसर अपने दिमाग में सोच के रखना, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्यों है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर? बिकॉज कोरिलेशनल एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप्स पढ़ रहे होते हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ओके ओके जी, बिल्कुल बढ़िया. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. चलो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज अ नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट? सो कोई भी नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है इनमें से? नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कोई रिलेशनशिप फॉर्म शो नहीं करता बिटवीन टू वेरिएबल्स, या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन वेरिएबल्स, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, या फिर एक बहुत नेगेटिव सा वीक सा को रिलेशन शो करता है या रिलेशनशिप फॉर्म करता है. सो डेफिनेटली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स डेफिनेटली नो द आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहाँ पे नेगेटिव, डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन पूछा है. तो आंसर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप्स शो करेगा, राइट. ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज 20. सो रिसर्चर जो है वो वांट टू स्टडी, रिसर्चर को स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अब कोई रिसर्चर, जैसे सपोज तुम लोग हो रिसर्चर, तुम्हें स्टडी करना है किसी एक स्टूडेंट को, चिल्ड्रंस के, बेसिकली स्टूडेंट्स के या चिल्ड्रंस के बिहेवियर को तुम्हें स्टडी करना है स्कूल में या नेचुरल सेटिंग्स में. तो तुम्हें कौन सा इनमें से रिसर्च मेथड को इस्तेमाल करना होगा? क्या ये एक्सपेरिमेंट को यूज़ करना होगा, एक्सपेरिमेंटल, या क्या ये कोरिलेशनल है, क्या ये केस स्टडी है, या क्या ये नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है? तो डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पे स्टडी करना है बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस इन नेचुरल सेटिंग्स. सो द आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स. सो इसके साथ होता है हमारा जो भी MCQs है वो पूरा का पूरा कंप्लीट. 20 MCQs एज अ ओवरऑल थे. फेयर तरीके से अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं भी जानूँ कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड होशियार बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को अभी तक बहुत अच्छे से समझ लिया है. सो डेफिनेटली वेट किसका कर रहे हो? जाके अपने मार्क्स को लिखो, मैं भी देखूँ कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे. एंड नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं टूवर्ड्स व्हाट नोन एज आवर NCERT सॉल्यूशंस ऑफ द होल चैप्टर. तो बुक NCERT के टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, आराम से डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है. अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पहले तो वीडियो को स्टॉप करना एंड मार्क्स लिखना, मार्क्स लिखने के बाद थोड़ा सा पानी वानी पीना, कुछ खा पी लेना, एंड देन NCERT सॉल्यूशंस. उसके बाद NCERT सॉल्यूशंस जब तुम्हारा हो जाए तो थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे तुम्हारे दिमाग में चीज़ें सेव भी होती रहेंगी. ब्रेक्स देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी? अब हमारे जो गोल्स हैं वो क्या हो सकता है साइंटिफिक इंक्वायरी का? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर दीपिका विच यू हैव टू राइट. जिसको भी नोट्स बना रहे हैं वगैरह, तो इसमें मेंशन दीपिका को ज़रूर करना. D मीन्स डिस्क्रिप्शन, P मीन्स प्रेडिक्शन, E मीन्स एक्सप्लेनेशन, C मीन्स कंट्रोल एंड A मीन्स एप्लीकेशन. दीपिका के फॉर्म में तुम लोग ये पूरा का पूरा याद कर सकते हो. देखो, दीपिका डिस्क्रिप्शन मतलब तुम्हें डिस्क्राइब करना अपने प्रॉब्लम को, प्रेडिक्शन मतलब तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिलेशनशिप्स बिटवीन द अदर बिहेवियर, कि ये जो बिहेवियर है पर्टिकुलर वो कैसे दूसरे बिहेवियर से अलग है. एंड एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं फॉर द ओकेजन ऑफ दिस बिहेवियर. लेट्स सपोज एंगर है, तो क्यों एंगर हो रहा है, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. कंट्रोल। देखो इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा इन डिटेल में डिस्कशंस किए हैं इन वन शॉट लेक्चर, सो जाके तुम लोग वन शॉट लेक्चर को देख लो, ठीक है। कंट्रोल एप्लीकेशंस की बात करें तो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, सो डेफिनेटली कंट्रोल मतलब कि हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर को। इतना पढ़ने के बाद अब हमें कंट्रोलिंग का प्रोसेस करना है ओवरऑल टू control the anger or control the anxiety and enhancing it and improving it, all this comes under your control and then comes your application जहाँ पे हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने एंगर को फुल्ली कंट्रोल करेंगे एंड दूसरों को भी हेल्प करेंगे टू मेक देम अवेयर अबाउट हाउ टू कंट्रोल द पर्टिकुलर इमोशन। Then comes your question number 2, that is describe the various steps involved in conditioning साइंटिफिक इंक्वायरी। अब जो कंडीशनिंग होता है हमारा साइंटिफिक इंक्वायरी है उसमें कितने सारे प्रोसेसेस यूज होता है, जैसे कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, कलेक्टिंग अ डेटा। कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग अपने प्रॉब्लम को समझते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, राइट, एंड देन कलेक्टिंग डेटा। हम अपने हाइपोथेसिस को फॉर्म करने के बाद डेटा इसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से लेना होता है। देन कम्स योर ड्रॉइंग कंक्लूजन्स, फिर हम लोग अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। हम जितने भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किए हैं उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी परफॉर्म करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यहाँ पे ही हम लोग यूज़ करते हैं, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड देन हम अपने हाइपोथेसिस को कंक्लूजन्स दे रहे होते हैं। रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स मतलब जो हाइपोथेसिस है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं फुल्ली एंड देन हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, हम उसे चेक करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो राइट है या नहीं है। अगर राइट है तो बिल्कुल बढ़िया हो गया, हमारा थ्योरी बन गया, एंड अगर नहीं है तो वापस से हमें अपने इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा बाय चेंजिंग आवर टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइप ऑफ व्हाट नोन एज योर मेथड्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जर्वेशन का मेथड करके यूज कर रही थी टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर बिहेवियर, अब मैं ऑब्जर्वेशन को छोड़ के दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट, जैसे एक्सपेरिमेंटल यूज करूंगी या कोरिलेशनल यूज करूंगी, कोरिलेशनल मेथड को इस्तेमाल करूंगी टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर बिहेवियर, सो दैट कम्स अंडर दिस पार्ट। देन कम्स योर नेक्स्ट थिंग, दैट इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। यहाँ पे तुम्हें अपने नेचर को बताना है कि कैसे साइकोलॉजिकल डेटा होता है, जैसे डेटा मतलब कि डेटा जो है वो सिंगुलर, डेटा जो है वो तुम्हारा प्लूरल फॉर्म है ऑफ डेटम विच इज सिंगुलर टर्म। डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है। डेफिनेटली दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि डिपेंडेंट एंटिटी है। ये जो मेथड होता है डेटा को कलेक्ट करना, ये हम लोग करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस विच इज नोन एज सर्वे मेथड, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सेट्रा। डेटा मतलब क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है हम उसे ले रहे हैं, ठीक है, एंड जब हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं देन इट इज नोन एज योर इन्फॉर्मेशन। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे अगर वो चाहते हैं, अगर तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे तुम लोग टाइप्स ऑफ डेटा भी इंक्लूड करो, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट इन शॉर्ट, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन का वेटेज कितना है, उसके ऊपर आंसर को लिखा जाता है एंड पॉइंट वाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कैसे तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स डिफर करता है, मतलब डिफरेंट है एक दूसरे से। या तो तुम ये आंसर लिख सकते हो या तो तुम बेस्ट है ये वाला आंसर लिख सकते हो। देखो मैनिपुलेटेड ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप, यहाँ पे हमारा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड यहाँ पे हमारा कंट्रोल ग्रुप। देखो मैनिपुलेटेड ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं टू सी इट्स इफेक्ट, ठीक है। यू आर टेस्टिंग ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, एक वेरिएबल को एक टाइम में कर सकते हो। हैज मैनिपुलेटेड वेरिएबल, यहाँ पे मैनिपुलेशन हम लोग देखने को मिलता है। समटाइम इसे हम लोग कहते हैं कंडीशन और ग्रुप एज वेल, ग्रुप टेस्ट एज वेल। नेक्स्ट आ जाओ कंट्रोल ग्रुप के बारे में बात करें तो कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है द ग्रुप दैट डज नॉट हैव द मैनिपुलेटेड वेरिएबल अप्लाइड टू इट। तो यहाँ पे मैनिपुलेटेड, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हम लोग इससे यूज करते हैं टू कंपेयर बिटवीन variables if there is a difference, कोई भी difference है between the manipulate and the control, then the manipulated variables influences the results, okay. Then comes the next portion, question number 5, कि भाई एक रिसर्चर है जो कि स्टडी कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ साइकिल एंड द प्रेजेंस ऑफ पीपल, कि भाई कितना स्पीड में वो साइकिल चलाता है जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड कितना स्पीड में वो साइकिल चलाता है जब वो लोग बिल्कुल भी नहीं होते या बहुत कम होते हैं, लाइक दैट। सो क्योंकि ये साइकिल रेस चल रही है तो डेफिनेटली इससे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो साइकिल रेस चल रही है एंड कैसे वो साइकिल रेस में रेसर इफेक्ट होता है लोगों से एज अ होल, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो फॉर्मुलेट अ रिलेटिव रेलेवेंट हाइपोथेसिस, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ रिलेटिव इसके हिसाब से कुछ हाइपोथेसिस तुम्हें बनाने हैं अपने आप से एंड आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। चलो हम इसे करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? हाइपोथेसिस हो सकता है जैसे जैसे हमारे स्पीड, एज द स्पीड ऑफ साइकिलिंग इंक्रीजेस, जैसे ही स्पीड ऑफ साइकिलिंग इंक्रीज हो रहा है, लोग जो हैं टेंड टू मूव अवे फास्ट, यानी कि लोग जो है वो हड़कंप मचा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, हाइपोथेसिस हम लोगों ने ये बना ली। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का हम लोग टाइप ले लिए, फील्ड एक्सपेरिमेंट में करूँगी। देन टू मार्केट प्लेसेस, एक बॉय है जिसको बोला गया कि भाई साइकिल चलाओ अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग मार्केट है, मतलब डिफरेंट स्पीड्स इन द मार्केट, एक ही मार्केट है एंड अलग अलग स्पीड पे तुम साइकिल चलाओ, ठीक है। मार्केट वन में इट इज ऑब्जर्व किया गया क्या कि जब वो लड़का पास कर रहा है मार्केट स्ट्रीट्स को विथ हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में बाइसाइकिल चला रहा है, तो लोग जो है सराउंडिंग हिम विल गेट अवे, तो लोग जो है वो भाग जाते हैं उसके सामने से, भाई एक्सीडेंट वगैरह करा देगा तो भागो भागो, ठीक है। मार्केट टू में हम लोगों ने देखा इट इज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही जो लड़का है पास करता है मार्केट से नॉर्मल स्पीड से बाइसाइकिल चलाते हुए, तो लोग जो है वो नॉर्मली एंड स्लोली अपना, तो नॉर्मली लोग अपने काम को डेली लाइफ में कर रहे होते हैं सतर्कता बना के, नॉट मच हाइपर एक्टिविटीज सीन। तो यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूजन क्या बना लिया कि जैसे ही स्पीड, व्हेन द स्पीड ऑफ साइकिल, जब भी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है साइकिल की, तो लोग जो है वो फटाफट से भाग जाते हैं इस डर में कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, लाइक दैट, ठीक है। सो स्पीड ऑफ साइकिल इज नॉर्मल, पीपल विल मूव अवे स्लोली इन कंपेरिजन। जब स्पीड धीरे धीरे साइकिल में चलाऊँ, धीरे स्पीड में साइकिल चलाऊंगी किसी भी मार्केट के आसपास से, तो लोग जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज तो करेंगे बट आराम से करेंगे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइक दैट। रिवीजन ऑफ रिसर्च कंक्लूजन, अब मैं रिवाइज करूँगी अपने रिसर्च कंक्लूजन्स को। सो द कंक्लूजन हैज मैच द हाइपोथेसिस देयरफॉर, अब जो हमारा हाइपोथेसिस है उससे मैच हो गया है हमारा कंक्लूजन, सो दैट इज वाई आर हाइपोथेसिस इज करेक्ट, एंड ये हमारा थ्योरी बन गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या था? स्पीड ऑफ साइकिल। हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साइकिल जो था वो इंडिपेंडेंट था पूरी तरीके से, एंड डिपेंडेंट इस पे क्या थे? लोगों के मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालते हैं। साथ में इसी तरीके से हम अपने कोई भी थ्योरीज को कर रहे होते हैं, थ्योरीज को निकाल रहे होते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एज मेथड ऑफ इंक्वायरी। सो तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड को एलैबोरेट करना है, उसके बारे में बताना है कि भाई कैसे, क्या इसकी स्ट्रेंथ है एंड क्या इसकी वीकनेसेस है। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ हो गया, यहाँ पे वीकनेसेस हो गया, ठीक है। सो स्ट्रेंथ क्या है कि भाई इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस अच्छे से समझ पाते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। एक्सटर्नल वेरिएबल जो है वो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। देन It is used to minimize the sequence effect with the help of counterbalancing technique. Different techniques के help से हम लोग जो extraneous variable है उसे हम लोग eliminate कर सकते हैं। It eliminates any potential systematic differences between group through random assessment of participants to different groups. So वही बताया हुआ है कि randomization कर सकते हैं हम लोग, eliminations कर सकते हैं हम लोग and different aspects. Okay. Then the weakness, अब इसकी बात करें तो highly से control किया जाता है in laboratory settings. The experiment may be produced, जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, एंड राइट हो, सही बैठता हो। इट इज नॉट ऑलवेज फीजिबल टू स्टडी, एंड ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंटली, तो ज़्यादातर सजेस्ट क्या किया जाता है कि तुम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को कम यूज़ करने की कोशिश करो, लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होता है हमारे स्टडीज़ को। इट इज़ डिफिकल्ट टू नो एंड कंट्रोल ऑल द रेलेवेंट वेरिएबल्स, डेफिनेटली इसमें भी हम लोग हर वेरिएबल को, हर एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, टू अ लिमिट हम लोग कर सकते हैं बट एज अ होल नहीं कर सकते, लाइक दैट, ठीक है। 7 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर कृष्णन जो है वो जा रहे हैं ऑब्जर्व करने, किसी कुछ बच्चों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करने, भी ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करने कुछ बच्चों के बिहेवियर को नर्सरी स्कूल में, विदाउट, अब बिना अटेम्प्ट किए टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर, बिना उनको कंट्रोल किए, बिना वहाँ जाए, बिना क्लास में एंट्री किए वो उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। विच मेथड, अब कौन सा मेथड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो रिसर्च टू स्टडी। एक्सप्लेन द प्रोसेस, अब बताओ कि भाई कौन सा मेथड है एंड क्या प्रोसेस हम लोग यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस, उस प्रोसेस को बताओ एंड डिस्कस करो उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो द आंसर इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे मैं रिसर्चर हूँ, मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करी, बट फिर भी मैं देखो ऑब्जर्वेशन तो है, इतना समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्जर्वेशन है। लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन है या नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में भी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा था, नेचुरलिस्टिक, देन नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कंट्रोल्ड, राइट। सो अब हमें पता करना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचुरल सेटिंग्स के बिहेवियर को, बट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इज द मेन थिंग हियर। सो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है बाय डॉक्टर कृष्णन हियर। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी वीडियो कैमरा या सीसीटीवी कैमरा के हेल्प से बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मेरिट्स क्या है कि ये जो रिसर्चर हैं स्टडी तो कर रहे हैं लोगों को, उनके बिहेवियर को नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में, सो ये एक मेरिट है कि भाई बड़ी बढ़िया ही है कि तुम नेचुरल सेटिंग्स में उसको बिहेवियर को यू नो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी स्टडी को हेल्प करेगा, ठीक है। डीमेरिट क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है एंड बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा तुम्हें खुद अपने अपने रिसर्च लैब से उठ के यहाँ पे स्कूल में आके बैठ के देखना पड़ रहा है, तो लेबर इंटेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एंड हो सकता है तुम ऑब्जर्व अपने नज़रिए से कुछ देख लो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर मीन्स वॉट, तुम्हें अपना नज़रिया नहीं यूज़ करना, तुम्हें बिना पक्षपात किए वो देखना है जो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, अपने ओन फीलिंग्स को नहीं दिखाना है, लाइक दैट। सो आवर ऑब्जर्वेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर वैल्यू, सो वो नहीं होने देना है एज अ साइकोलॉजिस्ट तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, दो एग्जाम्पल्स देना है तुम्हें सिचुएशंस का जहाँ पे सर्वे मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है सर्वे मेथड्स की वो भी तुम्हें बताना है। तो देखो दो एग्जांपल्स की बात करें तो द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग कैन बी वन ऑफ द थिंग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल कैन बी एटीट्यूड टुवर्ड्स गिविंग पावर्स टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रनिंग प्रोग्राम, तो हम लोकल गवर्नमेंट को कितना पावर दे रहे हैं, पंचायती राज को कितना पावर दे रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन के मैटर्स में। देन एटीट्यूड क्या है, तो सर्वे मेथड बेसिकली होता क्या है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इफ यू नो डेफिनेटली वेरी गुड, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रही हूँ। सर्वे मेथड मतलब वो मेथड जहाँ पे हम लोग लोगों से लोगों के ओपिनियंस मांग रहे होते हैं, यानी यहाँ पे उनके ओपिनियंस मैटर ज़्यादा करते हैं। अब इसका लिमिटेशन क्या है कि भाई पीपल में गिव, अब तुम लोग, मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ, तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा के तुम्हारे सोच विचार को, तो हो सकता है तुम गलत बता दो, तुम जानबूझ के सही ना बताओ, जो सोचते हो वो ना बताओ, ठीक है। सो यहाँ पे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो सकता है कुछ चीज़ें तुम भूल जाओ या हिचकिचा जाओ, लाइक दैट। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कभी कभार ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं, मतलब जो जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं उसको इंटरेस्ट ही नहीं है जवाब देने में, सो इस टाइप का भी हम सिचुएशंस यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, डिफरेंस बिटवीन, बताओ कि क्या डिफरेंसेस हैं इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर में। इंटरव्यू में हम लोग क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है, एक इंसान से दूसरा इंसान सवाल पूछ रहा होता है, इंटरव्यूअर से इंटरव्यूई इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से सवाल पूछ रहा होता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा जाता है ओरली, राइट। देन यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स को ज़्यादा मैटर रखते हैं इन दैट वे। एंड क्वेश्चनेयर की बात करें तो बेसिकली क्वेश्चनेयर जो है वो एक ऐसा सिस्टमेटिक इंक्वायरी का फॉर्म होता है जहाँ पे क्वेश्चन इज रिटन टू यू एंड वो क्वेश्चन को लिख के हम लोग पहले से रेडी करते हैं, देन सामने वाले को देते हैं, वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आंसर को मार्क कर देता है एंड हम उससे ले लेते हैं, तो दैट इज क्वेश्चनेयर, ठीक है। सो पहले से क्वेश्चन हम यहाँ पे प्री डिटरमाइंड करते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो प्री डिटरमाइंड ही हो, मे बी कोई भी इंटरव्यू ही आया है, मेरा जो मन है मैं उससे पूछ सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुम क्यों पढ़े हो, क्यों किस लिए पढ़े हो, क्या बनना चाहते थे, क्यों बनना चाहते थे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रक्चर्ड ही हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं इंटरव्यूज। व्हेयरएज क्वेश्चनेयर इज ऑल अबाउट ए सिस्टमैटिक फॉर्म है, रिसर्चर एंड रिस्पॉन्डेंट्स जो है उनको फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे चेंज किए जा सकते हैं, बढ़ाए नहीं जा सकते, कम किए जा सकते हैं, these things are there, okay. Next we are moving to question number 10, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की। देखो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम लोग देखते हैं रिलायबिलिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज जो भी टेस्ट होते हैं उसमें हम लोग रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि भाई जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था कि 10 मार्क्स आया है तुम्हारा आज जो लेट्स सपोज आज मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया इस चैप्टर पे बेस्ड 10 में से 10 आया तुम्हारा, ठीक है। एक हफ्ते बाद मैं वापस इसी चैप्टर का टेस्ट लूँ तो तुम्हारा 10 में से 10 ही आएगा या 10 में से 8, 7, 6, 5 आ सकता है। अब उससे ज़्यादा कम नहीं आ सकता बिकॉज इस टेस्ट में तुमने पहले ही 10 मार्क्स ला रखे हैं, मतलब तुम्हारा चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट है। 1-2 मार्क्स गड़बड़ा सकते हैं लेकिन पूरा मार्क्स नहीं गड़बड़ा सकता। सो रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ योर स्कोर्स। देन वैलिडिटी की बात करें, सो कितना वैलिड है तुम्हारे टेस्ट, कितने वैलिडिटी कैरी करते हैं, दैट कम्स अंडर दिस पार्ट, ठीक है। देन वैलिडिटी मतलब एक इंटरवल्स पे तुम्हारा टेस्ट हो, लाइक दैट। नॉर्म्स, अब जो टेस्ट हो रहे हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, दैट इज कम्स अंडर योर, एंड तुम्हारे परफॉर्मेंसेस एवरेज हों, दैट इज ऑल कम्स अंडर योर नॉर्म्स। ओके, नाउ आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। हमारा जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है उसका लिमिटेशंस तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि लिमिटेशंस क्या है हमारे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की। हमारे साइकोलॉजी में कोई भी या साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में कोई भी 0 पॉइंट नहीं होता है। 0 पॉइंट नहीं होता मतलब कोई भी पर्सन को, नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ 0 इंटेलिजेंस, ठीक है। सो हमारा प्रॉपर 0 या ट्रू 0 हम साइकोलॉजी में नहीं देखते हैं कभी भी, कोई भी इंक्वायरी के टाइम में। देन रिलेटिव नेचर ऑफ टूल्स, यानी कि जो भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट जो कर रहे होते हैं उस टेस्ट पर डिपेंडेंट होता है कि कौन से हमारे सेलेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल तुम इंडिया के अंदर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। इंडिया के अंदर डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट रेगुलेशंस, अलग अलग फॉर्मेशंस हैं टेस्ट के। वेराज अमेरिका में चले जाओ तो वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबाउट द सेम टेस्ट। जैसे सपोज IQ का टेस्ट वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, बट हमारे वे अलग होता है, हमारे लोग अलग हैं, तो डेफिनेटली टेस्ट का तरीका, टेस्ट का वे, टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ डिफरेंट होगा। सो दैट इज योर रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। देन कम्स योर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटर का या रिसर्चर का एक निरपक्ष रहना बहुत ज़रूरी है। ना तुम इस तरफ देखो ना तुम इस तरफ देखो, तुम सीधा न्यूट्रली देखो, वो देखो जो तुम्हें देखना चाहिए, ठीक है। तो एक कोई बच्चा है जो रो रहा है, अब यहाँ पे बच्चा बहुत सारे रीजंस की वजह से रो रहा हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रीज़न यहाँ पे पता करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट सिंपली राइटिंग कि भाई चॉकलेट नहीं मिल रहा होगा इसलिए रो रहा है, मम्मी नहीं खड़ी है सामने इसलिए रो रहा है, राइट। सो अपने रीजंस मत लिखो, जाके पता करो कि किस लिए वो बच्चा एक्चुअल में रो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजी के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस देख लेते हैं, ये अपनी सोच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर जो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं। देन आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एथिकल गाइडलाइंस बताओ जो कि साइकोलॉजिस्ट जनरली फॉलो करते हैं कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हुए। देखो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, जहाँ पे हम लोग अपने सब्जेक्ट से, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उससे हम अपने कंसेंट मांगते हैं कि आप क्या एक्चुअल में इस रिसर्च के मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इतना रिस्क अवेलेबल है, आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये एडवांटेजेस हो सकते हैं, इस रिसर्च में मैं ये करने वाली हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्चुअल में पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रखते हैं। दैट इज़ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कि भाई वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहा है, आप उसको सब कुछ बता रहे हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने बताया था कि यहाँ पर मैंने सब कुछ उसे इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन अपनी मर्जी से वो पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ले रहा है। डिब्रीफिंग मतलब कि जिस कंडीशन में जितना हैप्पी वो आया था उतना ही हैप्पी होके जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ रिसर्चर, एज अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, दैट इज डिब्रीफिंग। शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, यानी कि जो भी मेरा रिजल्ट आया स्टडी का, वो रिजल्ट मैं उससे शेयर करूँ जिसने मुझे हेल्प किया है मेरे एक्सपेरिमेंट में, मेरे सब्जेक्ट को, ठीक है। एंड देन कम्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा सोर्स, यानी कि जो भी हमारा डेटा कलेक्ट हुआ है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, उसने अपने नेम, क्लास, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मुझे ज़रूरत थी जिन इंफॉर्मेशंस की उसने मुझे दिया है, तो मैं इसे कॉन्फिडेंशियल रखूँ, मैं इसे शेयर ना करूँ टू अदर पीपल्स। सो दैट इज़ वन ऑफ माई एथिक्स विच आई हैव टू फॉलो as a psychologist. So this is all about your NCERT solutions. Now we will move to the last topic, that is your most important questions. I hope यहाँ तक सब कुछ तुम्हें समझ में आया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा डाउट रह गया तो थोड़ा सा एंडी बचा हुआ है बस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद जो भी डाउट होगा मोस्ट ऑफ द डाउट्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। ओके तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है दो डिफरेंस बिटवीन बताओ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा सकता है अपने एग्जाम्स में। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब वो इंटरव्यू जहाँ पे क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हो, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो एंड वही जो क्वेश्चंस लिखे गए हों वही पूछे जाएं। वेराज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब वो इंटरव्यू जहाँ पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज हमारा टॉपिक है इंटरव्यू रिलेटेड टू जॉब, बट मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछ सकती हूँ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, ठीक है। देन यहाँ पे इंटरव्यू हम लोग देखते हैं, सो इसमें इंटरव्यूज जो हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सेज डेफिनेटली मैटर करते हैं एंड बेसिकली ये लिमिटेड नहीं होते हैं देन दैट ऑफ योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज नॉट ऑर्गेनाइज एज इट इज डन इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एक बार ये तुम्हें करना क्या है, एक बार तुम्हें रीड करते हुए चलना है एंड कहाँ से रीड करोगे एट द एंड में तुम्हें थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो एक्सप्लेन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एज वन ऑफ द एथिकल इशू। तुम्हें एक्सप्लेन करना कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन क्या होता है। देखो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेट करना। सो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करे, दैट इज हम उससे उसकी राय पूछेंगे कि आप एक्चुअल में आपको इतनी फ्रीडम मैं दूं कि आप मना कर सको कि आपको पार्टिसिपेट करना है इस रिसर्च में या नहीं करना है। दैट इज व्हाट नोन एज योर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। वेरी इजी, सब कुछ बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा है नहीं कि जो तुम लोगों ने पढ़ा ना हो, ठीक है। सो जस्ट एक बार ही तुम्हें इसे रीड कर लेना है टू अंडरस्टैंड इट नाइसली, टू लर्न इट। एक बार रीड करोगे याद ही हो जाएगा दिमाग में, दैट आई कैन एश्योर यू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। देखो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारी कैरी करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, एडुकेशन, ऑक्यूपेशन, मार्शल स्टेटस, number of children, etc. All these things comes under your demographic information. So इस type से questions आ सकते हैं कि भाई psychological information क्या होता है, difference between demographic information and psychological information. So this kind of questions is general जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक category भी यहाँ पे show करूँ कि किस type के questions तुमसे पूछे जा सकते हैं। दो पॉइंट्स बताओ स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट के डिफरेंसेस को शो करने में। स्पीड टेस्ट मतलब तुम्हें यहाँ पे लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, तुमसे बोला जाएगा कि भाई 30 मिनट में इतना सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तुम्हारे यहाँ पे स्पीड को देखा जाएगा, कितने स्पीड में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पावर टेस्ट में तुम्हारे पावर्स को चेक की जाएगी, पावर एबिलिटी, यानी कि यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती। नो यू डोंट हैव एनी टाइम लिमिट, तुमको टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशंस नहीं मिलेगी। तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे जिस पावर को चेक किया जाएगा कि तुम आंसर कितने अच्छे से दे सकते हो, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से दे सकते हो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड तुम्हारे पावर को चेक किया जाएगा, तुम्हारे ब्रेन पावर को, तुम्हारे माइंड पावर को, लाइक दैट। दिस इज योर होल आंसर। Then comes your what do you mean by hypothesis। देखो तुम्हारे hypothesis के बारे में तुम क्या समझते हो और क्या इसकी importance होती है, मतलब क्या importance होती है for the formation of hypothesis। देखो hypothesis हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। hypothesis means it is a tentative solutions towards a problem and इसकी importance ये है कि कोई भी रिसर्चर जो है हाइपोथेसिस की वजह से उसका रिसर्च अच्छे से हो पाता है, सक्सेसफुली हो पाता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम वो आराम से अपने एक्सपेरिमेंट को कर पाता है। हाइपोथेसिस से जो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सप्लेन करता है क्लियरली एंड प्रेडिक्शंस करता है अबाउट द आउटकम। हाइपोथेसिस से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम के ट्रांसलेशंस को समझ पाते हैं। ये हमें देता है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, से हमें पता चलता है कि कौन से मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को हमें फॉलो करना है। देन बेसिकली जो हमारा हाइपोथेसिस है इसे हम लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं ऑफ द होल रिसर्च एंड ये हमें प्रोवाइड करता है क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल ऑफ द होल रिसर्च कि हमारा गोल क्या है, टू फाइंड अबाउट व्हाट इन द होल रिसर्च। दिस इज व्हाट नोन एज योर हाइपोथेसिस ऑल अबाउट। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई कोरिलेशन क्या होता है, रेंज क्या होती है कोरिलेशन की एंड इसके क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देखो कोरिलेशन मतलब एज अ होल वी हैव डिस्कस जस्ट थोड़ी देर पहले कि कोरिलेशन मतलब होता है कि तुम्हारे दो relationships between two or more variables, that is known as your correlation। अब इसका जो range है that is given here, correlation का जो range होता है that is plus 1 through 0 to -1. This is your whole as a whole range of correlation. अब correlation के types की बात करें तो positive, negative and zero होता है. Positive मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो तुम्हारे marks बहुत अच्छे आ रहे हैं. तुम बहुत ज़्यादा game खेल रहे हो PUBG या Free Fire तो तुम्हारे marks जो हैं वो उतने ही कम हो जा रहे हैं. And तुम cooking बहुत अच्छा करते हो और तुम पढ़ाई भी बहुत अच्छा करते हो. इसके बीच में कोई relations नहीं है. That is your zero correlation. So this is the example of टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. अब आ जाओ, ये बहुत आसान था वैसे, है ना. ओके सो मैं बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना. डेफिनेटली तुम्हारा पूरा चैप्टर मैंने वन शॉट में खत्म कर दिया है, मेकिंग यू अंडरस्टैंडिंग ऑल द टॉपिक्स, राइट. देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड जो भी MCQs मोस्ट पॉसिबल इस चैप्टर से थे, पूरे के पूरे NCERT हम लोगों ने डिस्कस कर ली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. अब करना क्या है, तुम्हें टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ पे जाके वहाँ से PDF को डाउनलोड करना है एंड इस पूरे के पूरे PPT को रीड करना है टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. पूरे चीज़ों को याद कर लो एक बारी एंड आई कैन एश्योर यू 100% तुम्हारे मार्क्स जो है वो फुल लाने वाला है इस चैप्टर में, बिकॉज ये चैप्टर बहुत आसान था, बस एवं इसे बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है. फर्दर यू कैन कनेक्ट मी इन दिस एप्लीकेशंस, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, दिया हुआ है, अच्छे से देख लो एंड ज्वाइन भी कर लो. नेक्स्ट व्हाट इज द एंड थिंग, दैट इज अब होता है हमारा चैप्टर पूर्ण तरीके से कंप्लीट. एक यू नो व्हाट नोन एज योर पूर्ण आहुति देते हैं हम इस चैप्टर को, एक अंतिम प्रहार के साथ इस चैप्टर को करते हैं हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट. एंड अब आई होप एक और काइंड ऑफ रिलीफ मिल गया होगा तुमको इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद से. अब क्या करना है, अभी तुम लोग रिलैक्स करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.